आकाशवाणी है। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। नमस्कार श्रोताओं, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बचाव अच्छा। कोविड से बचाव में वैक्सीनेशन की अहम भूमिका है और देश में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 37 करोड़ 21 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए हैं। एक अच्छी बात यह है कि देश में स्वस्थ होने की दर 97% से भी ज्यादा हो गई है। कल 45,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि कोविड के 42,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसलिए कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 0112397804 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, शुरुआत करते हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस एडिशन की। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉ अनुपम प्रकाश। डॉ अनुपम का मेडिकल एकेडमिक्स और पेशेंट ट्रीटमेंट में लंबा अनुभव रहा है। डॉ अनुपम नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी सिद्धार्थ जी, और सब श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर अनुपम, कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है, हम ये कह सकते हैं कि दूसरी लहर थोड़ी कमजोर पड़ गई है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही फरमाया आपने सिद्धार्थ जी। देखिए, कोविड के मामले इस समय तो बिल्कुल जमीन के पास आ रहे हैं, मतलब जो पीक से उतर करके बिल्कुल मिनिमम पे हैं, लेकिन इससे हमें जो है बिल्कुल भी सावधानी अपनी छोड़नी नहीं है। सावधानी बरतना बहुत जरूरी है इस समय, क्योंकि इसी समय कहीं ना कहीं से कई राज्य ऐसे हैं जहां पे अभी संक्रमण चल रहा है, और जो वेरिएंट्स हैं या म्यूटेंट्स हैं, ये भी कभी कोई भी म्यूटेंट ऐसा आ सकता है जो कि फिर से ज्यादा वेरुलेंट हो और वो फैल सकता है, एक इसकी इन्फेक्टिविटी या संक्रमण करने की क्षमता ज्यादा है। तो इसलिए हमें जो अपने प्रिकॉशंस हैं, जो सावधानी बरतनी है, मास्क पहनना है, दूरी बनाकर रखनी है और निरंतर हाथ धोते रहना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें आगे आने वाले संक्रमणों से बचाएगी। अगर हम अपनी बचाव चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है। अभी हमने सेकेंड पीक में देखा है बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, हर घर में किसी न किसी को तकलीफ हुई है, तो इससे बचने के लिए आगे बहुत जरूरी है कि हम सावधानी बरतते रहें। डॉक्टर अनुपम, इस समय कोविड के बहुत सारे नए वेरिएंट्स आ गए हैं, चाहे हम डेल्टा प्लस की बात करें, लैम्डा की बात करें, या हम कप्पा वेरिएंट की बात करें। इस समय आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट कप्पा है, इसका एक मामला सामने आया है, तो जहां पर इसके नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, इसको लेकर लोग एक डर का माहौल है लोगों के अंदर, और इसको अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो ये वेरिएंट सारा है, तो जितना हम लोग इसमें शोध करेंगे और जितना हम लोग शुरू करेंगे देखना, तो उतना मेरा मानना है कि हमें नए नए वेरिएंट्स मिलते रहेंगे। ऐसा है कि बहुत सारे वेरिएंट्स जो हैं वो अभी यहाँ पे हमारे यहाँ भी होंगे, अलग अलग राज्यों में भी होंगे। जब तक कि इनका संक्रमण बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, तब तक हमें ऐसी घबराने की बात नहीं है इससे। लेकिन जैसा कि आपने कहा, हमें सावधानी बरतते रहना है, और ये जितने भी वेरिएंट्स हैं, ये तो बहुत सारे वेरिएंट्स, 100 से ऊपर वेरिएंट्स तो ऑलरेडी हमें पता है कि चल रहे हैं, तो ये घबराए नहीं। जनता का ये काम नहीं है कि ये सोचते हैं कि अब लैम्डा आ गया, लैम्डा प्लस आ गया, डेल्टा प्लस आ गया या कप्पा आ गया, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो वायरस का अपना स्वभाव है और ये बदलता रहेगा, क्योंकि उसे भी अपना सर्वाइवल करना है, तो हमें इससे बच करके रहना है, तो उसके सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है।
और ये हम लोगों को अभी ध्यान देना इस पर बहुत ही जरूरी है कि हम सावधानी जो है सावधानी नहीं हटनी चाहिए हम लोगों की बिल्कुल। जी हाँ, और अगर हम देखें तो कई जगह बार बार ये चीज सामने आ रही है, चाहे हम बीच में जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कैबिनेट की मीटिंग में अपनी चिंता जताई थी, बड़ी संख्या में लोग कई जगहों पर पर्यटन स्थलों पर इकट्ठा हो रहे हैं, और चूंकि बहुत दिनों से कोविड की दूसरी लहर के बाद लोग बहुत समय तक घर में थे, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब बिल्कुल खतरा नहीं है और काफी बड़ी संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, पर्यटन स्थलों पे इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसे लोगों में जो भी लोग अब बाहर जा रहे हैं उन्हें किस तरह के एहतियात की जरूरत है? अगर बहुत जरूरी है, बाहर जा भी रहे हैं, तो उन्हें किस तरह के टूरिस्ट प्लेसेस पे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना चाहिए? हेलो हेलो, हाँ सिद्धार्थ जी, एक बार दोबारा से बोले जी। डॉक्टर अनुपम, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि इस समय दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद बड़ी संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रहे हैं, और अगर हम टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं, और इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी चिंता प्रकट की थी कि लोग बाहर जा तो रहे हैं लेकिन क्या वो सभी प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना रहे हैं? तो वो लोग आपसे जानना चाहेंगे जो बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या गए हुए हैं, उन्हें किस तरह से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, अपना बचाव करना चाहिए? दूसरी लहर में देखिए काफी लोगों को दिक्कत हुई है सिद्धार्थ जी, और मेरा मानना है कि हम लोगों को जो है आगे आने वाली लहरों के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल आप देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह हैं वो अपने अपने राज्यों में अपने अपने क्षेत्रों में जो है सबको जो है एक नसीहत दे रहे हैं, और विजिल बहुत ज्यादा है जी। ये बहुत जरूरी है कि हम जो विजिल है इसको बहुत ध्यान रखें और इसको हमें संभल करके रहना पड़ेगा। अगर हम जो है आजकल जैसे पर्यटक लोग जा रहे हैं बहुत ज्यादा, ये सोचते हैं कम हो गया है बहुत ज्यादा कोरोना, तो इससे हमें जो है आगे आने वाले समय में बहुत दुख झेलना पड़ेगा। सेकंड पीक पे हमने देखा है हर घर में कोई ना कोई तकलीफ हुई है और हमें परेशानी भी बहुत सामना करना पड़ा है, तो इसको जो है थोड़ा सा हमें मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं नकारात्मक सोच के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर हमने एक सवा साल करीब सवा डेढ़ साल करीब इस वायरस के साथ ऑलरेडी झेल लिया है और हम जानते हैं कि बहुत हमें तकलीफें भी सहनी पड़ी हैं, हर घर में कोई ना कोई नुकसान भी हुआ है, लेकिन ये है कि आगे चलने के लिए हमें इसके सावधानी अगर हम दूसरी पीठ से भी नहीं सीखे हैं कि हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी तो फिर आगे चल करके हमें बहुत दिक्कत होगी जी। और डॉक्टर अनुपम, बच्चों को लेकर जैसा कि तीसरी लहर में बात की जा रही है, आज एक शोध प्रकाशित हुआ है जिसमें ब्रिटेन के कई विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने अपने शोध में दावा किया है कि 99.99% बच्चे कोविड संक्रमण से उबरने में सफल रहे हैं और उन्हें गंभीर बीमारी होने का डर नहीं है। तो ये एक कुछ राहत देने वाली खबर है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सिद्धार्थ जी। ऐसा है, हमने पहले शोध पहला जो हमारी पीक थी पहली लहर जो है और दूसरी जो वेव है दूसरी पीक भी जो आई है उसमें यही देखा गया है कि हालांकि दूसरी पीक में बहुत ज्यादा बच्चे संक्रमित थे अगर बनिस्पत हम देखें पहली लहर के मुताबिक, लेकिन फिर भी ये बहुत गौर देने वाली बात है कि जितने भी बच्चे थे उनमें सबका जैसे आप कह रहे हैं ब्रिटेन की स्टडी और हमारे भारत में भी जो डाटा है उसके हिसाब से 99% लोग जो है वो ठीक ही हुए हैं बच्चे जो हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। जो एडोलिसेंट्स हैं और बच्चे हैं जो ये जो है ये युवा बच्चे जो है वे बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो है दिक्कत इन्हें नहीं हुई है और इनमें बहुत ही मृत्यु दर जो है बहुत ही नाम मात्र को है, और ये बहुत जरूरी क्योंकि घर में बड़ों का दुख तो देख सकते हैं बच्चे, एक तो बताने में असमर्थ होते हैं चीज अपनी तो इसलिए उन्हें दिक्कत ज्यादा होती है और दूसरी चीज जब उन्हें तकलीफ होती है तो घर में एक भी बच्चा अगर परेशान होता है तो घर में सब परेशान हो जाते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये हम लोग घबराए नहीं। जो कई बार लोगों ने कहा है अखबार में भी कई बार निकला है कि तीसरी पीक जो है बच्चों को प्रभावित करेगी, इससे बहुत लोगों को परेशानी हुई है, लोगों को बहुत घबराहट भी हुई है और लोग बहुत ज्यादा उत्साहित भी हैं इससे, मैं कहूंगा कि वो वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं बच्चों जी, तो वो एक अपने में अलग चीज है, लेकिन ये है कि इसमें घबराए नहीं, कोई भी दर जो है हमारे भारतवर्ष में ब्रिटेन की स्टडी जो आप बता रहे हैं वो बहुत अच्छी है लेकिन जो हमारे भारतवर्ष में भी है
उसमें दूसरी पीक में, दूसरी लहर में भी हमने ज्यादा बच्चों को नुकसान होते नहीं देखा है। जी, और डॉक्टर अनुपम, बच्चों की बात चल रही है तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो इस समय जब से ऑनलाइन क्लासेस हुई, बच्चों के स्कूल बंद हैं और वो घर पे ही हैं, बहुत समय से, साल भर से ज्यादा का वक्त हो गया जब बच्चे एक अपने रूटीन में नहीं आ पाए हैं, घर से ही ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, घर पे ही रहते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बच्चों का जो बचपन है वो एक कमरे में बंद हो गया है, घर में बंद हो गया है, तो हम घर पे रहते हुए वो बच्चे कुछ कई बार तनाव में भी आ जाते हैं, तो उन्हें क्या कुछ हम एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे कि वो इस तनाव से बाहर निकल सकें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ चीजों को सामान्य कर सकें। आप बहुत ठीक कह रहे हैं सिद्धार्थ जी, ऐसा है, बच्चों के लिए घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है, उनके डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चे घर के बाहर जाए, दुनिया देखें, भिन्न भिन्न लोगों से मिले, भिन्न भिन्न चीजों को देखें, पशु पक्षी नई इमारतें, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और स्कूल जाना भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो और बच्चों से मिलते हैं, उनका जो सोशल इंटरेक्शन होता है और सोशल डेवलपमेंट होता है ये बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बच्चे इंट्रोवर्ट होकर के सिर्फ रोज माँ बाप या घर के सदस्यों को देखते हुए बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये तो बहुत ही अच्छी एक चीज है, क्योंकि उससे इंटरेक्शन बच्चों का अपने टीचरों से, अपने शिक्षकों से और अपने सहपाठियों से कुछ हो रहा है, पहली चीज ये। दूसरी चीज जो है इसमें एक बहुत जरूरी चीज है कि माँ बाप, मैं मानता हूँ कि लॉकडाउन की वजह से कई लोगों को जो है रोजगार जो है खतरे में पड़ गया है, कई लोग उतने सक्षम नहीं है आज की तारीख में अगर आप पैसे के हिसाब से देखें तो उसमें माँ बाप का साथ बैठना मुश्किल काम है, लेकिन मैं कहूंगा कि माँ बाप अगर साथ बैठें और बच्चों को नई नई चीजें दिखाएं तो बहुत जरूरी है, उनसे इंटरेक्ट करें, अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, जिनके घर में बाबा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो अपने एक्सपीरियंस अगर बताएंगे कि उन्होंने अपना महामारी का समय, जब उनके समय में गुजर रही थी महामारी, तो वो तब कैसे निकाला है और उस समय कैसी दिक्कतें रहती थी, तब तो कुछ भी नहीं हुआ करता था, आज ना टीवी था ना रेडियो था, और अब तो बहुत सारी चीजें हैं, सुविधा है, इंटरनेट है, आपके पास सारी सूचना घर पे उपलब्ध है, इतनी सारी जागरूकता के लिए जैसे ऑल इंडिया रेडियो ने सीरीज चलाई हुई है कोरोना जागरूकता सीरीज, तो ये सब विभिन्न विभिन्न चीजें हैं जिनमें बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और कई बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जिनमें कि बच्चों को ऑनलाइन जो है कोई ये जैसे बाल भवन वगैरह में जैसे क्लासेस होती थी, वैसे बच्चों की आज कक्षाएं भी होती हैं ऑनलाइन, तो बच्चे अपने हुनर जो है उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन, तो ये एक बहुत अच्छा वो है माध्यम जिसमें कि बच्चों को लगाया जा सकता है, खाली ना बैठाएं, वीडियो गेम्स बहुत ज्यादा ना खेलने दें बच्चों को, मेरे ख्याल से इंटरटेनमेंट के और एक अच्छे तरीके से बच्चों को समय काटने के लिए सुधार दिया जा सकता है। डॉक्टर अनुपम, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की, और एक बात ये भी होती है कि जब कोई चुनौती आती है जीवन में, क्योंकि किसी हमेशा इतने बड़े लाइफ स्पैन में कभी न कभी ऐसा होता है कि जब कोई बड़ी चुनौती हमारे साथ आती है हम उसका मुकाबला करते हैं, और जब वो चीज, वो चुनौती हमारे जीवन से निकल जाती है तो बाद में रह जाती है वो यादें, जब हम ये सोचते हैं, जब हम फ्लैशबैक में जाते हैं तो इस बात को याद करते हैं कि हमने किस तरीके से उन चुनौतियों का, उन प्रॉब्लम्स का, उन समस्याओं का सामना किया था, वो चीज हमारे जहन में रह जाती है, और अगर हम सक्सेसफुली उस चीज से बाहर आते हैं तो हमें वो आगे आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए प्रेरणा देता है। तो शायद यहाँ पे आप जो बातें बता रहे हैं, अगर हम उसको पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो निश्चित तौर पर कोविड से जंग हम जीत पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये जो है ये हमारे लिए एक संघर्ष की परिस्थिति भी है, और इससे उबर करके जब हम निकलेंगे तो हम कहीं गुना ज्यादा जो है सकारात्मक भी होंगे, और हमने एक तरह की जंग जीती होगी। तो जंग में नुकसान होता है तो वो नुकसान हम भुगतते हैं, लेकिन फिर भी जो है जो जंग जीत करके जब हम आगे निकलेंगे तो हम, मेरे ख्याल से हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी हॉस्पिटल्स हैं, जो डिस्पेंसरीज हैं, उनमें बहुत ज्यादा तब्दीली आएगी, और आगे के लिए हम जो भी ये ऐसी परिस्थितियां इस बार उत्पन्न हुई हैं उनसे लड़ने के लिए हम ज्यादा सक्षम होंगे, ज्यादा समझदार होंगे, ज्यादा तजुर्बेकार होंगे हम, और मेरा मानना है कि हम काफी अभी भी बहुत, हम लोगों ने एक सवा साल में बहुत मेहनत की है और सभी लोगों ने मेहनत की है, आप लोगों ने भी और जो जनता है उसने भी,
लेकिन आगे चल करके हम वाकई में बहुत ज्यादा इससे सीखने को भी मिलता है और बहुत सारी चीजें हमें करने को मिलेंगी, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है, ये सब चीजें पहले हम लोगों ने नहीं सोची थी, ये आज की तारीख में हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है। तो आगे चल करके बहुत सारी चीजें हम लोगों के हिसाब से इन चीजों के यूज इस्तेमाल करके हम काफी अपने को अग्रसर हो पाएंगे, और जैसे अगर हम हाइब्रिड ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कल्चर काफी कुछ अडॉप्ट कर पाएंगे तो सड़कें भी काफी खाली रहेंगी, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी कम रहेगा, तो काफी चीजें हमें फायदे करने को मिलेंगी। सोचे कि अगर हम आगे चल करके तो फायदा भी हमें होगा इससे। जी हाँ, बिल्कुल होगा। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आज के कोविड 19 के इस विशेष कार्यक्रम में हमसे चर्चा कर रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के में प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। आप भी डॉक्टर अनुपम से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं, नंबर है 1800-115-767। और अब हमारे साथ लिसनर्स जुड़ गए हैं अपने सवालों के साथ, और आज की पहले कॉलर हैं रामपुर उत्तर प्रदेश से अनिशुर रहमान जी। रहमान जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम। सर, मैं ग्राम धनुपुरा जिला रामपुर से आपका निमित श्रोता निमित रहमान बात कर रहा हूँ सर आपसे। जी बताइए, नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? जी सर, मैं यही जानना चाहता हूँ सर, इस टाइम पर फिलहाल कोरोना महामारी का टाइम चल रहा है और ये जो वैक्सीन जो लगवाई जा रही है सर, हर गांव के अंदर वैक्सीन कैंप लग रहे हैं और वैक्सीन लगवाई जा रही है 18 वर्ष की आयु के पुरुष हैं और लेडीज से भी है स्त्री, तो सर मेरा यही कहना क्योंकि जो वैक्सीन लगवा रहा है तो सर उसको बुखार क्यों आ रहा है और तबीयत क्यों खराब हो रही है सर, ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल डॉक्टर अनुपम, वैक्सीन लगाने के बाद किसी किसी को फीवर आ जाना या कुछ छोटी मोटी समस्या होना, किस तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं और जैसा कि इनको चिंता है तो ये कितने दिन तक परसिस्ट करते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है। पहली चीज मैं आपको कहूंगा कि अगर गांव-गांव में वैक्सीन पहुंच रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है और हमें इसको जो है बहुत ही सराहना देनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में 138 करोड़ जो आबादी है अपनी, उसको वैक्सीनेशन पहुंचाना और गांव तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि इसके साइड इफेक्ट है, तो किसी भी वैक्सीन के ये साधारण साइड इफेक्ट कहलाते हैं और इसमें जो है हल्का बुखार आना या जहां इंजेक्शन लगता है वहां पे दर्द होना या थोड़ा सा बदन दर्द होना, ये मामूली तौर पे जो है आमतौर पे 2-3 दिन में खत्म हो जाता है और ये नॉर्मल प्रक्रिया है, इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर बर्दाश्त नहीं होता है, बुखार थोड़ा ज्यादा रहता है, तो पैरास्टामोल या क्रोसिन की टैबलेट ले सकते हैं, बाकी इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। और ये वैक्सीन की नॉर्मल प्रक्रिया है, जब भी शरीर में कोई भी एंटीजन दिया जाता है, वैक्सीन दी जाती है, टीकाकरण के बाद बुखार किसी को भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि हर एक को आए लेकिन किसी किसी को आ सकता है और उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, मैं दोबारा से दोहराता हूँ। जी, और इस बीच मध्य प्रदेश में रीवा से रामजी गर्ग जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रामजी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी सर जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब को हमारा राम राम। नमस्ते जी, मैं खैर मजिया जिला रीवा मध्य प्रदेश से पंडित राम जी गर्ग बोल रहा हूँ। बताइए सर, सर्दी खांसी जुकाम बुखार होने पर जो दवा दी जाती है जी, इसके क्या अंतराल करके 1-2 मिनट में खाना चाहिए कि इकट्ठा भी आदमी खा सकता है? जी डॉक्टर अनुपम, देखिए नज़ला जुकाम सर्दी में जो दवा दी जाती है वो दवा ली जा सकती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और लेकिन अगर आपको जो मामूली तौर पे जो जुकाम खांसी होता है, जो कि कॉमन कोल्ड जिसे हम कहते हैं, जो कोरोना भी कॉमन कोल्ड ही करता है वैसे, लेकिन ये जो कोरोना का वेरिएंट है, कोरोना SARS-CoV-2 जिसे हम कहते हैं, ये जो दिक्कत है इससे अगर आपको सांस फूलने लगता है तो ये एक डेंजर साइन है और उसमें आपको फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है तो उसको आप देखिए, अगर सैचुरेशन 95% 94% से कम जाता है तो भी आपको थोड़ा चिंता रहनी चाहिए और आप उसको मॉनिटर करें, और 93 से कम आए तो फॉरेन हॉस्पिटल जाकर के भर्ती हों। बाकी जो भी दवाएं अपनी आप ले रहे हैं समयानुसार, अगर आपको कोई भी और बीमारी है तो वो दवा लगातार लेते रहेंगे, उसमें नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, तो वो दवाएं चलेंगी। और बाकी इसके लिए नज़ले जुकाम के लिए अगर 2-3 दिन में ठीक हो जाता है तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं, जितना भी हमने अभी कोरोना वायरस का देखा है दिक्कतें जो है 4-5 दिन बाद ही आती हैं, अभी इतनी जल्दी नहीं हुआ है कि आज बुखार हुआ होगा और आज ही दिक्कत हो जाए,
तो इसको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है और थोड़ा सा देखते रहें, और दवा कोई भी ले सकते हैं, दवा के लिए कोई मनाही नहीं है कोरोना वायरस की बीमारी जी। और इस बीच रुख करते हैं महाराष्ट्र में ठाणे का, जहां से गुरुनाथ जी हमारे साथ अपने सवाल लेकर आ गए हैं। हेलो गुरुनाथ जी, नमस्कार। सर नमस्ते जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर मेरा सवाल है, जो वैक्सीन लेने के बाद जो एंटीबॉडी जो रिसर्च बता रहा है कि 8-9 महीना या साल तक रह सकता है जी, तो सर ये बीमारी जब ये लंबे समय तक अगर हमारे बीच में रहती है जी, 2-4-5 साल तक, सर क्या ये वैक्सीन तो 1 साल या 8-9 महीना एंटीबॉडी रहेगी, तो सर क्या दोबारा हमको ये वैक्सीन लेनी पड़ेगी क्या जी? डॉक्टर अनुपम, बात हो रही है बूस्टर डोज की, कितने समय बाद हमें क्या दोबारा लेना पड़ सकता है अगर एंटीबॉडीज हमारी नहीं रहेंगी एक पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनका सवाल बहुत ही उचित है। ऐसा है कि जो हमारे पास अभी वैक्सीन उपलब्ध हैं, ये वैक्सीन को आए हुए 6-8 महीने हुए, भारत में जो उपलब्ध हैं वो 6 महीने भी नहीं हुए अभी, और बाकी जो वैक्सीन हैं उनको 6-8 महीने 9 महीने ज्यादा से ज्यादा हुए हैं। तो इनका जो है एंटीबॉडी लेवल के, किस एंटीबॉडी लेवल के बाद दोबारा से वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीन हैं, और वैक्सीन के एंटीबॉडी लेवल्स बहुत कम भी हो जाते हैं तो भी शरीर में इम्यूनिटी बरकरार रहती है। तो ये कई अलग अलग शरीर की प्रक्रियाएं हैं जो कि होती हैं, कुछ एंटीबॉडीज से सावधानी बरतती हैं, कुछ जो है बिना एंटीबॉडीज के शरीर में जो है इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी एंटीबॉडी शरीर में है या नहीं है तो उसके ऊपर आप बीमार पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे आगे, तो इसलिए अभी नहीं घबराएं। ये अभी शोध चल रहे हैं और देखा जा रहा है कि एंटीबॉडीज का असर कितनी देर रहता है वैक्सीनेशन के बाद। तो अभी तो आप ये मान करके चलिए कि एक बार वैक्सीनेशन लगवाने के अगले 6-8 महीने तक आप बिल्कुल सेफ है, उसके बाद जो है परिस्थितियां जैसी होंगी, जैसे जैसे शोध आएगा उस हिसाब से फिर ज्ञानवर्धन होगा हम लोगों का। और अब रुक करते हैं दिल्ली का, गांधीनगर से धर्मवीर जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी नमस्कार। हेलो जी धर्मवीर जी, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। अच्छा नमस्कार, जैसे कि हम हर बार कार्यक्रम सुनते आ रहे हैं, हर श्रोता के मन में जिज्ञासा है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है कि जैसे कि हम दर्द करता हर इंजेक्शन लगाने के बाद हमें बुखार आ जाता है, क्या हम ऐसा, ये उचित नहीं होगा कि हम इंजेक्शन लगाने जाएं उससे एक दिन पहले हम पैरासीटामोल खा लें, दर्द भी ना हो बुखार भी ना है, और जो एक पैरासीटामोल अपना एक हमारे को कवच प्रदान करेगा, दर्द नहीं होने देगा बुखार नहीं होने देगा। ये नेगेटिव लोगों के माइंड में है, कुछ लोग के माइंड में नेगेटिवपन है ही, वो कहते ही है कि हम इंजेक्शन के बारे में कुछ ना कुछ दुष्प्रचार ये लोग करते हैं, तो इसके लिए हम ऐसा उचित नहीं कर सकते डॉक्टर साहब? डॉक्टर अनुपम, ये सलाह इनकी है कि पहले से अगर हम एडवांस में ही कोई पैरासीटामोल अगर ले लें तो हमें वो दर्द होगा ही नहीं या बुखार आएगा ही नहीं, क्या ऐसा संभव है? देखिए मैं बिल्कुल इनकी सराहना करूंगा कि ये एक कदम जो है, जहां हम महामारी से, वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, वहां ये एक कदम और आगे बढ़कर के सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये हम लोग इसलिए एडवाइस नहीं करते हैं कि आप पैरासीटामोल या एविल कुछ खा करके जाएं, क्योंकि हर किसी को बुखार नहीं आता है। जो बुखार आने की दर है वो 10% बहुत से बहुत अगर आप माने तो 10 में 1 लोगों को बुखार आता है। आमतौर पर बुखार जो है 3-5% लोगों से ज्यादा को नहीं आता है। तो अगर हम हर किसी को कहेंगे खाने के लिए तो आप ये समझिए 100 में से 95 से 97 लोग जो है फालतू में क्लोसिन की टैबलेट खा रहे होंगे और उनको जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज है, जो बुखार इससे आता है वो बुखार कोई बहुत तेज बुखार नहीं होता है, वो 99-100 ज्यादा से ज्यादा 100.5 तक का बुखार होता है, जिसमें जरूरी नहीं कि हर आदमी को क्लोसिन लेना पड़े। हर आदमी की अपनी क्षमता होती है बुखार को बर्दाश्त करने की, तो किसी को क्लोसिन लेने की जरूरत पड़ती है, किसी को नहीं पड़ती है। तो हम अगर सबको एडवाइस करेंगे ब्लैंकेट की, हाँ भाई सबको लेना चाहिए, सबके लिए हमने कह दिया, तो हम पैरासीटामोल को ज्यादा ओवर यूज करेंगे और इसकी जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम लोग एडवाइस ही नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, मैं इनको सराहना करूंगा इनकी कि इन्होंने जो है ये महामारी से जूझने के लिए और नकारात्मक सोच को हटाने के लिए ये अपना योगदान दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दिल्ली से अनिल कुमार जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। जी अनिल कुमार जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरा प्रश्न ये है जी कि जब कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को अप्रूवल मिली थी लगने के लिए जी,
उस समय दोनों वैक्सीन के दोनों डोज के बीच का डिफरेंस सच चार सप्ताह जी, और बाद में कोविशील्ड को 12 सप्ताह बढ़ा कर दिया गया जी, और कोवैक्सीन का वही रखा गया। तो सर इसके पीछे क्या हो सकता है, मतलब इसमें या तो फर्स्ट डोज लगने के बाद कुछ इम्यूनिटी आ जाती है, ऐसा है या क्या कारण, सर ये बताइए प्लीज। जी डॉक्टर अनुपम, वैक्सीन के बीच की अंतराल को लेकर ये जानना चाहते हैं कि कोवैक्सीन में क्यों अंतराल में बदलाव नहीं किया गया जबकि कोविशील्ड के अंतराल में बदलाव किया गया है। वैसे तकनीकी सवाल है, मैं तकनीकी सवाल प्लेटफॉर्म पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यूजुअली जवाब नहीं देना पसंद करता हूं, लेकिन हाँ लोगों के दिमाग में बहुत भ्रम है इसलिए मैं इसका जवाब दूंगा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड साथ साथ बनी थी, दोनों की पद्धति में फर्क है कि किस हिसाब से बनी है वैक्सीन। कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो भारत में बनी है, वो राइट्स मिले हुए यहाँ पे बनाने के इसलिए यहाँ बन रही है, लेकिन वो बाहर भी विश्व में भर रही है कई जगह। तो जो ये कोविशील्ड वैक्सीन है इसकी जो टीकाकरण बाहर हुआ तो उन्होंने जो एंटीबॉडीज लेवल देखे, उन्होंने देखा कि एक डोज लगाने के बाद भी इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती है और दूसरी डोज जो है वो डिले की जा सकती है, पहली चीज ये। दूसरी चीज उन्होंने ये देखा शोध में कि अगर पहली डोज लगाते हैं और उसके बाद अगर हम दूसरी डोज जल्दी लगा देते हैं, चार हफ्ते लगा देते हैं, तो रिस्पॉन्स कई मरीजों में कम आ रहा है बनिस्बत उन मरीजों के जिनको जो है सेकेंड डोज वैक्सीन किसी रीजन से देर में हो गई। तो इस कारणवश पहली डोज का एक तो जो रेट है टीकाकरण के बाद एंटीबॉडीज प्रोडक्शन का वो ज्यादा है कोविशील्ड से, और दूसरा ये है कि उसके बाद वो जब 3 महीने पे आप देते हैं तो उसका रिस्पॉन्स ज्यादा बरकरार रहता है और ज्यादा अच्छा आता है बनिस्बत अगर आप 4 हफ्ते पे देते हैं। तो ये हमारे पास आज की तारीख में कोविशील्ड के शोध के साथ ये डाटा हमारे पास है, हमारे पास उसके परिणाम है, इसलिए हमने जो है सरकार ने और जो भी गाइडेंस है ये सिर्फ यहाँ की नहीं है पूरे विश्व भर में है कि उसकी गाइडेंस ये है कि अब कोविशील्ड का जो 2 डोज का अंतराल है वो 12 हफ्ते कर दिया जाए जी। और डॉक्टर, और कोवैक्सीन का भी हमारे पास डाटा नहीं है, जब वो डाटा एनालाइज होगा, क्योंकि भारत में तो वो एक व्हाट्सएप हमारा जो ऐप चल रहा है कोविन वाला जी, उसके हिसाब से हर किसी को 4 से 6 हफ्ते पे लगी रही है जी। तो अभी वो मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको 4 से 6 हफ्ते पे नहीं लगी है और फिर 12 हफ्ते पे हम लगा रहे हैं जी बिल्कुल। तो वो डाटा हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है, तो हम उसको आगे बढ़ा नहीं सकते। डॉक्टर अनुपम, चलते चलते हमारे आज के कार्यक्रम के जो लास्ट कॉलर हैं रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश से। रिंकी जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी रिंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। समय थोड़ा कम है, अपना सवाल बताइए। जी जी, तो इससे पहले मैं डॉक्टर सर को भी नमस्कार कर लूँ। जी बिल्कुल करिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैंने आज समाचार में सुना था कि उड़ीसा में एक जो गर्भवती महिला है उसे वैक्सीन दिया गया, तो प्रॉपर यही वैक्सीन दिया गया या उनके लिए अलग वैक्सीन बना है, इसके डॉक्टर सर की आपने विचार रखेंगे। जी डॉक्टर अनुपम, बहुत संक्षेप में जवाब चाहेंगे। ये जो है ऐसा, देखिए अखबार में पड़े हुए या समाचार के सुने हुए को नहीं माने, जब तक हमारे पास ठोस कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इसको मैं नहीं कहूंगा कि हम तवज्जो देना चाहिए। हर जगह अपना अपना हिसाब है और मेरे ख्याल से हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए छोटी छोटी जो समाचार है उन पर तवज्जो नहीं दें, उनको जो है वैज्ञानिकों के शोध करने के लिए छोड़ दें और हम लोग उसके ऊपर ज्यादा जो है विचलित ना हो इन सब इन्फॉर्मेशन से। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर अनुपम, आप आकाशवाणी समाचार के साथ जुड़े, आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, श्रोताओं को भी बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम दोबारा सुनने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।